नमस्कार भाई लोग, एक बार फिर स्वागत है। तो कल से हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की है टीयर टू के लिए। तो आज ये सेकंड डे है प्रैक्टिस का और सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। ये पैराग्राफ हमने कल देख लिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे पहले वाली पीडीएफ जाके देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि पैराग्राफ को कैसे करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हम सेकेंड पैराग्राफ को देखेंगे। सेकेंड पैराग्राफ हिंदी में है तो हिंदी से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वे चार लड़कियाँ हैं और तुम केवल दो लड़के हो। दे आर फोर गर्ल्स एंड यू आर ओनली टू बॉयज। दैट मस्ट बी द ट्रांसलेशन। लेट्स सी, दे आर फोर गर्ल्स एंड यू आर ओनली टू बॉयज। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा ग्रामर का भी, इसीलिए आपको ग्रामर भी थोड़ा बहुत देखते रहना है। उनके पास दिमाग है और तुम्हारे पास काम है। दे हैव माइंड एंड यू हैव वर्क। दिमाग का माइंड हो गया, काम का वर्क हो गया। ये सिंपल है, मैंने बोला था कि पहला वाला टफ होगा, सिर्फ दूसरा वाला सिंपल है ताकि आप थोड़ा सा यूज टू हो पाए, देन उसके बाद आपको आगे धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। तुम अगर मिल कर काम करो तो सब ठीक हो सकता है। इफ़ यू डू वर्क टुगेदर, मिलकर काम करना मतलब वर्क टुगेदर, देन एवरी थिंग कैन बी ऑल राइट। सब ठीक हो सकता है, कैन बी ऑल राइट, सकता है तो कैन बी ऑल राइट। इस दुनिया में सब कुछ संभव है। एवरी थिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरी थिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, सिंपल। तुमने कभी उनसे बात की इस बारे में, अब इट इज़ द क्वेश्चन मार्क हियर, तो तुमने कभी उनसे बात की इस बारे में, बात की मतलब की होगी, इट मस्ट बीन पास्ट। तो डिड यू टॉक टू देम अबाउट दिस। अब देखिए, जब आपको पता है कि डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए टॉक लगा हुआ है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ग्रामर भी देखना है। डिड यू टॉक टू देम अबाउट दिस क्वेश्चन मार्क। मैं तो कभी नहीं कर पाया, आई कुड नेवर डू। मैं तो कभी नहीं कर पाया, पास्ट हो गया, दैट्स वाई इट इज़ हियर कुड। मैं तो कभी नहीं कर पाया, आई कुड नेवर डू। अगली बार जब तुम वहाँ जाओ तो उनसे ज़रूर मिलना। नेक्स्ट टाइम, व्हेन यू गो देयर नेक्स्ट टाइम, व्हेन यू गो देयर नेक्स्ट टाइम, जब तुम वहाँ जाओ, अगली बार जब तुम वहाँ जाओ, व्हेन यू गो देयर नेक्स्ट टाइम, मीट देम फॉर श्योर, ज़रूर मिलना, मीट देम फॉर श्योर। दे आर वेरी नाइस ह्यूमन बींग्स। क्या इसका मतलब है? वे बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सभी लड़कियाँ अपना काम समय पर करती हैं। ऑल द गर्ल्स फिनिश देयर वर्क ऑन टाइम। अब देखो यहाँ पे देयर क्या लगा हुआ है, THEIR, क्योंकि यहाँ लड़कियों की बात हो रही है, जगह की बात नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे THEIR लगा हुआ है, लड़कियों के बारे में बात हो रही है, इसलिए देयर लगा हुआ है। तुम भी करते हो पर कमी रह जाती है। यू ऑल्सो डू बट समथिंग मिसेस। कमी रह जाती है मतलब समथिंग मिसेस। क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? यू डू यू नो अबाउट मी। समझ रहे हो? मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। ये बहुत ही ईजी पैराग्राफ है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार कंप्लीट दिखा देता हूँ। मुझे वो घड़ी मिली पर मैंने वापस कर दी। आई फाउंड दैट वॉच बट आई रिटर्न्ड। क्या मैंने अच्छा नहीं किया? डिड आई नॉट डू राइट और वेल। डिड आई नॉट डू राइट और वेल। देखो यहाँ पे फिर डू लगा है, डू क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे डिड के बाद यू टॉक्ड नहीं लिखना था, सिर्फ टॉक होना चाहिए था, ठीक है। डिड आई नॉट डू वेल। तुमने हमेशा मुझे गलत समझा पर मैंने तुम्हें दोस्त समझा। देखो, यू ऑलवेज टुक मी रॉन्ग। तुमने मुझे हमेशा गलत समझा बट आई टुक यू एज अ फ्रेंड। आई टुक यू एज अ फ्रेंड मतलब मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा। आज वक्त आ चुका है कि हम एक दूसरे को समझें। नाउ द टाइम हैज कम। Now the time has come, वक्त आ चुका है, now the time has come that we understand each other, हम एक दूसरे को समझें, we understand each other, देखते हैं तुम कब समझोगे, let's see when will you understand, देखते हैं तुम कब समझोगे। It is just like a translation, ये बहुत ही ईजी है, अच्छी बात है, ईजी है तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा, तो आप आगे टफ वाले को करने में थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन मुझसे दूर मत जाना, बट डोंट गो अवे फ्रॉम मी। ये आप लोग बोलते हैं ना अपने महिला मित्र या अपने पुरुष मित्र को, मुझसे दूर मत जाना, तो ऐसे ही बोलना है, इंग्लिश में बोलना है आज के बाद, बट डोंट गो अवे फ्रॉम मी। मैं वादा करता हूँ कि मैं भी नहीं जाऊँगा। आई प्रोमिस दैट आई विल ऑल्सो नॉट गो ईदर। आई विल ऑल्सो नॉट गो आप लिख सकते हैं, या आई प्रोमिस दैट आई विल नॉट गो ईदर, मैं भी नहीं जाऊँगा, तो ईदर में आ गया, आप ऑल्सो भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो ये बहुत ही ईजी पैराग्राफ था। आपको क्या करना है, आपको कल वाले पैराग्राफ को लिखना है, इंग्लिश में देखना है और उसको हिंदी में लिखना है, उसी हिंदी में जिसने आपको लिखा है, जो आपने हिंदी में लिखा है उसी हिंदी को उसको दोबारा से इंग्लिश में लिखना है, और इससे मैच करना है कि आप कहाँ कहाँ मिस कर रहे हैं।
दूसरा वाला पैराग्राफ है हिंदी से इंग्लिश में, तो पहले हिंदी से इंग्लिश में लिखना है, ये तो बहुत ईजी है, लिख लोगे, बट फिर भी ट्राई करना क्योंकि ईजी लगता है देखने में, लिख नहीं पाते हैं लोग, चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो इसको लिखना। और फिर से कल हम तीसरे वाले पे मिलेंगे, तीसरा पैराग्राफ जो हमारा होगा यहाँ पे अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डेली डेली आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, वो कैप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाइए, जो आपको पैराग्राफ में नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं उनके बारे में जानिए, उनके उनके मीनिंग्स को लिखिए, हिंदी में मिल रहे हैं तो इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में मिल रहे हैं तो हिंदी में लिखिए, और प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार ऐसे काम करते रहेंगे। इंटरव्यू आएगा तो मैं आपको इंटरव्यू के लिए भी ट्रेन करूँगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद।